और कल मेरा छोटा भाई खेसारी आ रहा है। तो हम लोग सभा करेंगे। प्यार बरस रहा है, आशीर्वाद बरस रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, मन गदगद है। कल मेरा छोटा भाई यानी कि खेसारी लाल यादव आ रहा है काराकाट और दोनों भाई का जमकर होगा चुनावी प्रचार कैची छाप के लिए। जी हाँ, ये पावर स्टार पवन सिंह के वाक्य है और खेसारी लाल यादव यानी कि कल, आज है 27 तारीख और कल होगा 28 तारीख, और 28 तारीख को खेसारी लाल यादव और पावर स्टार पवन सिंह का जबरदस्त कैची छाप वाला रैली यानी कि हेलीकॉप्टर वाला। जी हाँ, हेलीकॉप्टर से रैली होगा और खेसारी लाल यादव उसमें सवार होंगे और साथ में सवार होंगे पावर स्टार पवन सिंह, यानी कि कल 28 तारीख और परसों 29 तारीख, यानी कि 29 तारीख तक ही चुनाव प्रचार हो पाएगा। और कल कल जो सवाए होंगे वो काफी ज्यादा धांसू होने वाला है, क्योंकि इसका खुलासा खुद पावर स्टार पवन सिंह ने इंटरव्यू के दौरान कह दिया है। तो भैया, ऐसे में सवाल होता है कि खेसारी लाल यादव का प्रोग्राम कहां कहां पे होगा, कहां कहां पे हेलीकॉप्टर रैली होगा, तो पूरी जानकारी आप ध्यान से सुनिए। जी हाँ, स्क्रीन पे जो चल रहा है यानी कि खेसारी लाल यादव और पवन सिंह दोनों एक साथ एक ही मंच पर नजर आने वाले हैं अवार्ड शो में। हमेशा आपने देखा है, काफी दिनों के बाद अवार्ड शो में देखा है, वो टीवी पर आपने देखा है, लेकिन अब पहली बार इतने सारे विवाद यूं कहें विषम 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 होने के बाद अब दोनों फाइनली पहली बार एक साथ एक मंच पर पैचअप हो गया है और पूरी तरीके से पैचअप है। और इन दोनों का जो पैचअप है का पहला प्रोग्राम होगा विक्रमगंज में। जी हाँ, यानी कि सुबह 9 बजे विक्रमगंज में कार्यक्रम होगा और उसके बाद वहां पे आधा घंटे का चुनावी सभा होगा, उसके बाद फिर हेलीकॉप्टर पे बैठेंगे और फिर वहां से फुर से निकल जाएंगे नासरीगंज में। जी हाँ, यानी कि दोबारा यानी कि दूसरी जगह वहां पे जाएंगे। 10 बजे सभा है, उसके बाद फिर से 12 बजे फिर से तीसरी जगह सभा है यानी कि हेलीकॉप्टर द्वारा ही है गोह में। जी हाँ, यानी कि गोह में तीसरी सभा, और उसके बाद फिर से चौथी सभा होगा दाऊदनगर में और इसका समय रखा गया है 2 बजे। जी हाँ, 2 बजे के बाद फिर से 3 बजे रखा गया है बारून में, यानी कि टोटल 5 जगह खेसारी लाल यादव और पवन सिंह दोनों एक साथ हेलीकॉप्टर से 5 बार उड़ेंगे और 5 बार उतरेंगे। जी हाँ, और 6ठे बार पटना एयरपोर्ट पे, जाहिर सी बात है वो हेलीकॉप्टर लैंड होके पटना एयरपोर्ट चले जाएंगे। हो सकता है पवन सिंह लास्ट में बारून में उतर कर वो चले जाएंगे और खेसारी लाल यादव हो सकता है जो हेलीकॉप्टर वो लैंड करे वो पटना के एयरपोर्ट पर लैंड करेगा और पटना से फिर डायरेक्ट वो अपने घर की तरफ प्रस्थान करेंगे। तो फिलहाल खेसारी लाल यादव के फैंस और पावर स्टार पवन सिंह को जो काराकाट में दोनों को एक साथ एक मंच पर देखना चाहते हैं, तो भाई ये रहा लिस्ट पूरी डिटेल। और यहां यहां पे चुनावी सभा होगा, तो कैमरा लेके सारे वगैरह पहुंच जाना, वहां पे आपको जबरदस्त वाला फुटेज मिलने वाला है। फिलहाल क्या लगता है कि काराकाट से पावर स्टार पवन सिंह जीत पाएंगे या फिर नहीं जीत पाएंगे, या फिर खेसारी लाल यादव का जलवा यादवों वोटरों को अपनी तरफ खींच पाएंगे, क्या लग रहा है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।